प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशंस। आज हम बनाएंगे शाही ऑरेंज रबड़ी। शाही ऑरेंज रबड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज जूस, ऑरेंज के जो छिलके हैं क्रश, बादाम, पिस्ता, केसर भीगी हुई, ऑरेंज एसेंस ऑप्शनल है पर अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर यूज़ करें ऑरेंज क्रश। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका। और 1 लीटर दूध, हम सबसे पहले 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डालेंगे। इसे अच्छे से चलाते रहें और बॉयल होने तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। हमारे दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसे अच्छे से चलाते रहिए जिससे जो हमारा दूध है वो कढ़ाई के तले में नहीं लगेगा। इसे अच्छे से चलाते रहना है हर एक एक दो दो मिनट में। जब दूध की क्वांटिटी हमारी कम हो जाए तो हम इसके अंदर मिलाएंगे केसर। ये दूध हमारा जो है वो आधा हो चुका है। केसर मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक दो ड्रॉप ऑरेंज एसेंस के डालेंगे। जब हमारा दूध जो है रिड्यूस होके 1/3 हो जाए तो इसमें जो हमारी इसकी फ्लेम कम कर दीजिए और जो इस पर मलाई आएगी दूध को उसको हम कढ़ाई के किनारों पे लगाते जाएंगे एक करछी की सहायता से। अब हमें इसे गाढ़ा करना है और ये जो मलाई है हम इसे किनारों पे लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, सेम प्रोसेस आपको भी करना है। बहुत केयरफुली करिएगा और मेक श्योर करिएगा जब आप इसमें एसेंस डालें तो वो 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ आपकी जो रबड़ी है वो कड़वी हो सकती है। ऐसे ही हम इसको मलाई को चारों तरफ लगाते जाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें ऑरेंज एसेंस डालेंगे। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक ऐसे ही पकाएंगे। ऐसे ही हम इस पे जो मलाई है उसको चारों तरफ लगाते जाएंगे और हल्के हाथ से बस करछी को कढ़ाई के तले पे लगा के थोड़ा सा घुमा लीजिए जिससे हमारा दूध नीचे चिपकेगा नहीं। ये हमारी ऑलमोस्ट ऑरेंज रबड़ी जो है वो रेडी हो रही है। अब इसमें हम नट्स डालेंगे, थोड़ी पिस्ता कटिंग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि हम इधर ऑरेंज क्रश यूज़ करेंगे। ऑरेंज क्रश जो है वो मीठा होता है क्योंकि वो चीनी में बनता है। इसके अंदर हम ऑरेंज क्रश डालेंगे। ऑरेंज क्रश की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसके अंदर हम ऑरेंज का जूस डालेंगे, करीब 2 बड़े चम्मच जूस हैं ये। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहे ऑरेंज के। थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज की जो ऊपर का कवर होता है उसको कट करके डालेंगे जिससे इसमें फ्लेवर आए हमें ऑरेंज का। हमारी रबड़ी रेडी है, इसे एकदम ठंडा होने दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें जो हमारी रबड़ी है उसमें जो मलाई के लच्छे बने हैं इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रीज कर लेंगे। ये मैंने ऑरेंज को अंदर से ऑरेंज को कट करके उसके जो स्लाइसेस है निकाल के और इनको डीप फ्रीज किया था। इसके अंदर मैं अब हमारी ऑरेंज रबड़ी है वो पोर करूँगी और ये हमारी ऑरेंज रबड़ी पोर हो चुकी है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बॉल्स में डाल के भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ी कटिंग सर्व लगा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।